गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। करनाल में गरीब परिवारों तक सरकार की ओर से पहुंचने वाले आटे का गोलमाल सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद सीआईए पुलिस व फूड सप्लाई विभाग ने पुरानी अनाज मंडी के नजदीक एक गोदाम पर छापा मारा। 300 क्विंटल से अधिक आटा बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। साथ ही गोदाम मालिक जो था वो फरार बताया जा रहा है। गौरतलब है पुलिस और फूड सप्लाई विभाग को शिकायत मिली थी पुरानी अनाज मंडी के पास एक गोदाम में गरीब परिवारों तक पहुंचने वाला आटा निजी गोदाम में रखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस और फूड सप्लाई विभाग ने गोदाम में छापा मारा और 300 क्विंटल से अधिक आटा बरामद किया, जिसे गोदाम मालिक बाजार में बेचा जिसे गोदाम मालिक बाजार में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं गोदाम मालिक फरार बताया जा रहा है। गोदाम मालिक सरकारी राशन के आटे को दूसरे कट्टों में डालकर बेचता था, जो कि मौके से बरामद किया गया है। जी सर, क्या कहेंगे, कहां पे रेड हुई है और क्या बरामद हुआ? ये पुरानी जनता मंडी अनाज मंडी के पीछे है, ये इनका गोदाम था। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी पर्चा दर्ज करके, और फिर फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को साथ में लेकर यहाँ रेड किया था। रात ही पर्चा दर्ज कर दिया था, और अब सुबह ये मजदूर लगा के और अब इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तो हजारों की संख्या में लगभग कट्टे हैं सर, आप गिन रहे हैं जी? ये बाहर निकलवाए हैं और इनके चट्टे आपके सामने लगवा रहे हैं। खाद्य पूर्ति विभाग के कट्टे हैं जो लिखा हुआ है। हाँ जी, फूड एंड सप्लाई विभाग के, फूड एंड सप्लाई सरकारी है। तो प्राइवेट गोदाम में मिले सर? हाँ, प्राइवेट गोदाम। चक्की है सर ये? हाँ, ये चक्की है, और ये अपने इसमें से निकाल कर अपने मार्केट में डालकर भेजता था। ये तो सरकारी कट्टों से निकाल के प्राइवेट कट्टों में, प्राइवेट कट्टों में डालकर ये बेचता था। तो मालिक कहाँ फरार हो गए? मालिक फरार हो रहे थे। तो किस नाम से फर्म है सर ये? ये विजय कुमार हरी कुमार है जी, हरी राम। आपका नाम सर? मेरा नाम एएससी मशीन डिटेक्टिव स्टाफ करनाल। मेरे पास कल 3 तारीख को शाम को सीआईए स्टाफ से फोन आया था, एसएचओ साहब का, मिस्टर राणा का। उन्होंने बताया कि करनाल में ये कोई भीमनगर है, वहाँ पर उन्होंने ऐसा एक चक्की है उसके ऊपर आटा पकड़ा है, जो कि सरकारी आटा है, जो कि डिपो पर दिया जाता है। तो उसके बाद मैंने अपना स्टाफ वहाँ भेजा, जिन्होंने कि जाकर उस आटे के जो चक्की वाली है उसको सील कर दिया, और आज सीआईए स्टाफ ने उसकी काउंटिंग कराई है, जो कि करीबन 320 क्विंटल पाया गया है। और मैंने अपने विभाग के डीएफएसओ हैं मिस्टर सुरेंद्र अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है, इसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। वो जाकर इसका कल ही इसको स्टार्ट करेंगे, 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे कि ये आटा कहाँ से आया, किस डिपो होल्डर ने या किस मिल से ये डाइवर्ट हुआ है, इसमें किसका दोष बनता है, और उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अनिल जी, इसका मतलब ये होगा कि जिले के डिपो होल्डर अब भी घोटाला कर रहे हैं? बिल्कुल, इससे यही लगता है कि अगर ये डाइवर्ट हुआ है तो या तो ये डिपो एंड पे डाइवर्ट हुआ है, और जो मेरी कई लोगों से बात हुई उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि कुछ बेनिफिशरीज भी ऐसे होते हैं जो अपना आटा है वो चक्की पे छोड़ जाते हैं, लेकिन मुझे उनकी बात में सत्यता इसलिए नहीं लग रही बेनिफिशरीज की बात में कि भी वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूज क्वान्टिटी है, 320 क्विंटल इज अ बिग अमाउंट, और अगर ये आटा किसी की तरफ से डाइवर्ट किया गया है तो उसके अगेंस्ट तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पहले भी एक बार हो चुका है, दूसरी बार हुआ है, तो लोग इस चीज़ को जो डाइवर्ट कर रहे हैं वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, जो कि बड़ा ही एक प्रेस्टिजियस वो है, पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि अंबाला के बाद करनाल में स्टार्ट हुआ था, और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनिल जी, अपने यहाँ कितने डिपो धारक हैं जिले के अंदर? हमारे जिले के अंदर करीबन 650 डिपो धारक हैं। तो इनकी चेकिंग कैसे करते हैं? चेकिंग इसके अंदर ऐसे होता है कि जो डिपो होल्डर की चेकिंग है हमारे इंस्पेक्टेड स्टाफ द्वारा की जाती है, या तो रेगुलर चेकिंग होती है, या फिर अगर किसी की कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है तो कंप्लेंट के आधार पर उसकी चेकिंग की जाती है। तो जैसे कंप्लेंट आती है तो आप कुछ जनता को भी कहना चाहेंगे कि सीधे आपके डिपार्टमेंट को सीधी शिकायत कर सकते हैं? देखिए, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरा नंबर है वो भी जनता में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, और जो हमारा वेब पोर्टल है उस पर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 1068 नंबर पर कभी भी ये कंप्लेंट दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा मेरा जनता से ये अनुरोध है कि अगर मान लो किसी भी बेनिफिशियरी को आटा नहीं मिलता है या कोई डिपो होल्डर उन्हें नहीं देता है, तो उसकी शिकायत तुरंत मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे इंस्पेक्टेड स्टाफ के पास आके, या मेरे सर्कल ऑफिस जो कि मेरे रोड पर स्थित है, हमारा फूड एंड सप्लाई का गोडाउन, वहाँ पर आके तुरंत इसकी शिकायत दें, ताकि जैसे कि ये ह्यूज क्वांटिटी को पकड़ा गया है, अगर बेनिफिशियरी को नहीं मिला है तभी ये हमारे पास आया है, ये जो पकड़ा गया है, तो अगर ये बेनिफिशियरी को नहीं मिलता और बेनिफिशियरी हमारे पास तुरंत इसकी रिपोर्ट दे देते तो हम इसको वहीं पकड़ सकते थे, तो इसको पकड़ा जाना तुरंत समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक जी, मैं कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस के लिए।